Hey bros, welcome to my YouTube channel where we talk about skincare, styling, grooming. In the case if you don't subscribe the channel, कर दो यार, क्या चाहते यार तुम लोगों का? अब मैं खुद आके करूँ क्या यार? कर दो यार प्लीज, चलो मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी से करो। हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्नी प्रोन स्किन केयर रूटीन। यार सबसे पहले तो यार हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू है एक्नी, 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 बस पागल कर दी एक्नीज ने यार। और उसके अलावा सबसे पहले आज हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे रीजंस क्या होते हैं एक्नीज के, उसके अलावा एक्नीज के टाइप्स क्या होते हैं और हम एक्नी को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यार सबसे पहले हम लोग कॉजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि रीजन की जिस वजह से एक्नीज होती हैं। सबसे पहला पाकिस्तान में रह रहे हो यार, तुम लोग को पता होना चाहिए क्यों एक्नीज हो रही है। इतनी पोल्यूशन है, सबसे पहले तो यार पोल्यूशन की वजह से आपको एक्नीज होती है। और सेकंड रीज़न ये कि आप हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। और थर्ड रीज़न ये कि यार काफ़ी जो आप जो टॉवल वगैरह यूज़ करते हो, जो वॉशरूम में रहते हैं, क्योंकि वॉशरूम का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, उसकी वजह से उसके अंदर जो होती है नमी पैदा हो जाती है। और नमी क्या, जब वो आप फिर अपने फेस पे जो भी साफ करते हो, जब उसे फेस साफ करते हो, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होता है और आपकी स्किन पे एक्नी प्रोड्यूस कर देते हैं। और उसके अलावा यार जो आप पिलो वगैरह यूज़ करते हो, क्योंकि अगर आप इन केस अगर आप उसको डेली चेंज नहीं करते या रैपिडली चेंज नहीं करते अल्टरनेटिव डेज पे, तो वो आपके एक्नी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे डेड स्किन सेल्स जो होती हैं वो हमारे पिलो वगैरह पे लगे रहते हैं। अच्छा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्नी की टाइप कौन कौन सी होती है। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्नी। सबसे पहले तो सिस्टिक एक्नी, सबसे गंदी यार, सबसे गंदे सिस्टिक एक्नी होती हैं। अब सिस्टिक एक्नी के रीजंस क्या होती हैं यार? सबसे पहले जो हमारे जो पोर्स होते हैं वो जब कंजस्टेड रह जाती है ना, तो जो सीबम प्रोडक्शन है वो हमारे फेस पे ज़्यादा होने लग जाती है, और उस वजह से हमारे स्किन पे जो होता है ज़्यादा ऑयल भी प्रोड्यूस होता है, और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होने की वजह से हमारी स्किन को पे एक्नीज निकलती हैं। और उसके अलावा यार अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखते तो स्किन पे एक्नीज निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। और उसके अलावा ये तमाम बैरियर्स होते हैं और ये स्किन की डीप लेयर्स के अंदर बनते हैं, और इनको ख़त्म करना, इनको क्योर करना बहुत मुश्किल है। अब दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे पास फंगल एक्नीज। फंगल एक्नीज सिंपल, अगर आपकी स्किन बम्प पे होती है, आपको सिंपली जगह जगह थोड़े 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 बिट्स एंड बम्प्स हो जाते हैं, तो वो सिंपल उनको क्योर करना इजी होता है। अच्छा यार सबसे पहले एक्नी यार एक डिजीज़ है। जैसे अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आप जाती हो ना डॉक्टर्स के पास उसको ट्रीट कराने के लिए, इस तरह एक्नी भी यार एक डिजीज़ है, स्किन की डिजीज़ है। अगर आपको मसला होता है तो आपको क्योर कराना चाहिए। अगर सिंपली आप क्योर नहीं कराओगे तो वो बाद में जाहिर सी बात है अपना कोई ना कोई ड्रॉबैक छोड़ देगा, आपको स्कार्स हो सकते हैं, आपको पिगमेंटेशन रह सकती है। क्योंकि अगर सिंपली अगर आपको कोई होता है टेम्परेचर वगैरह होता है, फीवर वगैरह होता है, अगर आप उसको नहीं क्योर करवाते तो सिंपली वो खत्म तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर वीकनेस रहती है, तो सिंपली इज दैट केस फॉर स्किन केयर। अच्छा यार सबसे पहले तो यार परफेक्ट किसी की स्किन नहीं होती। परफेक्शन के पीछे नहीं भागो, प्रोग्रेस के पीछे भागो। जब आप आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करोगे ना, तो आपकी हर चीज़ में परफेक्शन खुद ब खुद आने लग जाएगी। अच्छा और उसके बाद यार जैसे हमारी आवाम होती है भाई, टिकटॉकर्स को देखकर पागल होती है यार, कितने प्यारे हैं, क्या स्किन है यार भाई, 10 फिल्टर लगाए होते हैं उन लोगों ने, उसके बाद वो प्यारे लग रहे होते हैं। उनको तो कतई ही बिल्कुल छोड़ ही दो ना, वो अलग लेवल की दुनिया, वो नेक्स्ट प्लैनेट से आए हैं, उनको छोड़ दो भी। अच्छा उसके अलावा यार एक्नी जो होती है वो एक डिजीज़ है, इसलिए आपको उसको ट्रीट करना चाहिए। और उसका यार ये नहीं है कि यार आप कोई भी चीज़ लगा लोगे, जो डॉक्टर किसी से भी पूछा कि यार ये दवाई लगा लो वो दवाई लगा लो तो सही हो जाएगा। जैसे अगर आप एक को आपको कोई इशू होता है तो आप डेली बेसिस पे उसकी डोज लेते हो, तो इसी तरह यार कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको ट्रीट करना है, और एक लेवल आता है ये ट्रीट हो जाते हैं, वो इतना कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं होगा। तो बस आप एक रूटीन फॉलो करनी है, जब आप वो रूटीन फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी एक्नी भी ट्रीट हो जाएगी। यार बस अपनी जिंदगी में 4 स्टेप स्किन के रूटीन के फॉलो कर लो यार, सुकून में आ जाएगी जिंदगी, सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे, डबल टोन, पिगमेंटेशन, एक्नी वगैरह सब सब मसले खत्म हो जाएंगे। बस ये 4 स्किन के रूटीन के स्टेप फॉलो कर लो। सबसे पहले क्लिनजर्स, टोनर्स, उसके बाद सीरम्स, उसके बाद मॉइस्चराइजर्स। या टोनर और सीरम पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो, आप लोग अपनी स्किन में खुद एक बड़ा डिफरेंस देखोगे। लोग बात कर लेते हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए आपको प्रोडक्ट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट होने चाहिए। सबसे पहले सैलिसिलिक एसिड बेस्ट इंग्रेडिएंट है फॉर एक्नी प्रोन स्किन, क्योंकि डी आपकी स्किन के अंदर जाता है और आपके पोर्स को क्लींस करता है और आपकी एक्नी पे वर्क करता है। उसके अलावा ऑब्वियसली बात है यार एलोवेरा, टी ट्री हो गया, उसके अलावा नीम हो गया, उसके अलावा ग्लाइकोलिक एसिड्स हो गए, विटामिन सी बहुत बेस्ट वर्क करता है एक्नी प्रोन स्किन के लिए। तो ये वो तमाम इंग्रेडिएंट जो आपको अपनी प्रोडक्ट्स में ढूंढने हैं उनको लेते हुए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए कौन कौन से क्लींजर होते हैं। अच्छा एक्नी प्रोन स्किन के लिए कभी भी आप लोगों ने हार्श क्लींजर्स नहीं यूज करने देता था, फोमी क्लींजर्स होती हैं वो एक्नी प्रोन स्किन के लिए नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर सल्फेट्स होते हैं, आपकी स्किन को ड्राई आउट कर देते हैं, वो ज्यादा फिर एक्नी कॉज करती हैं। हमेशा आप जब भी मार्केट में देखोगे जो एक्नी प्रोन स्किन के लिए होती हैं क्लींजर्स वगैरह, वो जेल होती हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होती हैं, उनके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव या हार्मफुल केमिकल्स नहीं होती है। अच्छा सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक्नी प्रोन स्किन के लिए कौन कौन से क्लींजर्स हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यार सिंपली सीरावी क्लींजर यूज कर लो, सीरावी एसवी क्लींजर, सैलिसिलिक एसिड क्लींजर बेस्ट वर्क करता है यार एक्नी प्रोन स्किन के लिए। दस्ती आपके मतलब
आप लोग कॉन्स्टेंटली अगर आप 2 वीक यूज करोगे तो अपनी स्किन पे खुद डिफरेंस देखना स्टार्ट कर दोगे, आपकी स्किन हील होना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट नंबर पे तो यार अगर आप अफोर्ड करो तो लाजमी ट्राई करो, बेस्ट बेस्ट फेस वॉश है। उसके अलावा पाकिस्तानी मार्केट में जो मिल रही है उनमें जो मैंने ट्राई की है जो बेस्ट है मैं वो आपको बता देता हूँ। उसके बाद यही है मेंडेलेसी फेस वॉश, यार बेस्ट है एक्नीज के लिए, मिलाजमा के लिए और रिंकल्स के लिए, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स में ग्लाइकोलिक एसिड है, मेंडेलिक एसिड है, उसके अलावा सेलिसिलिक एसिड है, तो ये आपकी स्किन के डीप आपकी स्किन के अंदर जाते हैं और आपकी स्किन को क्लींस करते हैं, एक्नी पे वर्क करता है। यार ये सारी चीजें वो है जो मैंने खुद अपनी स्किन पे टेस्ट एंड ट्राई किए। अगर आपको लग रहा है मेरी स्किन इस वक्त बहुत साफ है तो भाई 100 सियाफों से गुजरी हुई है, मैं खुद भाई इतने इतने बड़े बड़े एक्नी निकलते तो तुम नहीं जानते यार, बहुत से आप होते हैं जब हार्मोनल चेंजेस आती है ना बॉडी में तो बहुत पंगी होती है सारे, तो छोड़ दो भाई ने बहुत सियापे किए हुए। और तभी जो सारी प्रोडक्ट तुम लोग को रेकमेंड कर रहे हैं ये वो जो मैंने तुम्हें टेस्ट एंड ट्राई किया उसके रिजल्ट्स हैं यार। बस मेरे कहने पे एक दफा आप ये रिजीम स्टार्ट कर लो, 4 स्किन केयर रूटीन का स्टेप, क्लींजर्स, टोनर, सीरम्स एंड मॉइस्चराइजर, आप लोग खुद चेंज देखोगे अपनी स्किन में। तो ये है यार मेंडेलेसी फेस वॉश। उसके बाद ये टी ट्री फेस वॉश है बाय दी ब्रांड नरिश के यार। उसके अलावा यार ये भी अच्छा फेस वॉश है, काफी माइल्ड है, आपकी स्किन पे हार्श नहीं फील होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी यार हमेशा कोई भी आप प्रोडक्ट तब तक वर्किंग करेगी जब आप उसको कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करोगे, तो कंसिस्टेंसी पे इस पे काम करो, इंशाल्लाह लाजमी वर्क होगा। और उसके अलावा बेस्ट फेस वॉश है यार, ये जस्ट लाइक मैजिक काम करता है यार, दस्ती एक्नी पे वर्क काम करता है, और उन लोगों ने लिखा हुआ है क्लिनिकली प्रूवन टू क्लियर एक्नी फॉर ऑल, यार ये लिटरली काफी तेजी से एक्नी पे वर्क करता है। ये है एक्नीसाइड फेस वॉश बाय दी ब्रांड ऑर्गेनिक पाकिस्तान, तो यार आप लाजमी ट्राई करो, भाई के कहने पे एक दफा कर लो यार, क्या हो गया। और मैं तुम सब चीजों का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से तुम जहाँ से भी जाके खरीद कर सकते हो, बस तुम्हारा भी सियापे करना है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों ने बस लिंक में जाने और प्रोडक्ट को जाके बाय कर लेना। अच्छा तो ये तो वो तमाम क्लींजर्स के ऑप्शंस थे जो मैं यूज कर चुका हूँ, मैं तुम लोगों को रेकमेंड भी करूंगा। अगर आप लोगों को सोप पसंद है, अगर आप लोगों को नहीं क्लींजर सूट करते, तो एक सोप मैंने यूज किया था वो बहुत बेस्ट है, बाय दी ब्रांड ग्लोगेनिक्स, ये उनका था एक्नी फाइटर सोप, मैंने यूज किया भैया, स्किन पे अच्छा वर्क करता है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप उसको ले सकती हो। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं टोनर्स। टोनर से मैंने जैसे कहा कि आप लोगों ने इंग्रेडिएंट पेस्ट जाना होता है कि आपकी स्किन के लिए कौन सी इंग्रेडिएंट वर्क करते हैं, तो सिंपली ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ट है, अगर आप बाय कर सकते हो तो या सिंपली ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड बाय कर लो। फंगल एक्नी को तो दस्ते ही खत्म करता है, सिस्टिक एक्नी पे आहिस्ता आहिस्ता वर्क करते हो, स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है और स्किन को डबल टोन जो होती है स्किन को उसको रिमूव करता है, आपकी स्किन को इवन टोन में लेकर आते हैं। उसको अफोर्ड कर सकते हो ना तो यार प्लीज ये एक दफा ले लो यार, बस ले लो यार इसे एक दफा, लेवल स्किन पे काम करता है यार। उसके अलावा वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये बाय द ब्रांड संबाई मी का एएचए बीएचए 30th मिरेक्युल टोनर है, लिटरली दस्ती एक्नीस पे वर्क करता है, उसके अलावा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है, रिंकल्स पे वर्क करता है, पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, स्टार्स पे वर्क करता है, यार प्लीज ये लाजमी ट्राई करना, अफोर्ड कर सकते हो, लिटरली बेस्ट बेस्ट टोनर है। उसके अलावा ये भी वो जो मैंने आपको फेस वॉश बताया था टी ट्री, ये उसी सेम ब्रांड का नरिश केयर का टोनर है, लेकिन मुझे बस ये नॉर्मल लगता है क्योंकि इसको जब स्किन पे फील करो तो एकदम से काफी ना वो, इसके अंदर काफी मेंथोल है तो काफी स्किन पे वो फील होता है ठंडा ठंडा, तो अगर आपको मेंथोल पसंद है तो आप इसको ले सकती हो। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे ये है बाय दी ब्रांड ग्लूना, यार लिटरली ये ब्रांड मेरी फेवरेट है पाकिस्तानी ब्रांड में, जितनी मैंने ट्राई की है ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक्नी पे वर्क करता है, उसके अलावा एक्नी पे जो बाद में पिगमेंटेशन रह जाता है ये उस पर भी वर्क करता है। और उसके अलावा ये एवलीन का स्किन परफेक्टिंग टोनर है, इसके अंदर भी बेसिक इंग्रेडिएंट वही सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड जो आपकी स्किन पे वर्क करते हैं, यार भाई के कहने पे ट्राई करना स्टार्ट कर दो। आप हमेशा ना यार किसी के कहने पे कोई प्रोडक्ट ना लोगे से दोस्त ने बता दिया हाँ भाई यार ये प्रोडक्ट उठा ले तुम्हारे पे वर्क है तो मेरे पे वर्क करती है, ऐसा नहीं होती है, हर किसी की स्किन हर किसी प्रोडक्ट के साथ डिफरेंट रिएक्ट करती है, तो हमेशा अपनी सर्च करा करो उसके बाद कोई प्रोडक्ट लिया करो। चलो ये तो हमारे 2 स्टेप हो गए क्लींजर्स टोनर। उसके अलावा अब हम बात करते हैं सीरम्स की, ये भी वही सीरम है बाय दी ब्रांड गुलूना, ये देख लो यार कितनी मैं यूज कर दूंगा, अब इस लिप्टी थोड़ा थोड़े प्रोडक्ट्स रह गई हैं, और ये भी सिंपली उसी तरह आप लोगों ने बस सिंपली टोनर के बाद सिंपली इसको मॉइस्चर सीरम को स्किन पे लगाना, उसको डैब डैब करके अब्सॉर्ब कर लेना, यार आप अपनी स्किन में खुद चेंजेस फील करोगे, बस एक दफा अपनी रिजीम सेट कर लो, अपनी प्रायोरिटी सेट करोगे किस किस नाम ने प्रोडक्ट को यूज करना है और कंसिस्टेंसी के लिहाज यूज करो, दस्ती वर्क करेंगे। उसके अलावा जैसे मैंने बताया विटामिन सी बहुत वर्क करता है, तो ये एसएल बेसिक का विटामिन सी सीरम है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो, दस्ती लेवल वर्क करता है। और उसके अलावा इलेन इलेन ब्रांड है यार, इनका विटामिन सी सीरम बहुत लेवल है, इनके रिव्यूज बहुत लेवल हैं और इनके स्कार पे वर्क करता है, एक्नी पे वर्क करता है, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा एसएलबीटी का एंटी एक्नी सीरम है, आप वो ट्राई कर सकते हो। यार ये वो तमाम ब्रांड्स हैं जो
कम से कम ट्रस्टवर्दी हैं या जो मैंने ट्राई किए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी भी या अगर स्किन पेयर पे अगर यार इन्वेस्ट करो ना, तो थोड़े अच्छी प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि स्किन आपका कोई ऐसा पार्ट नहीं जिसके साथ मजाक कर सकते हो। मतलब कि कुछ भी लगा लो यार स्किन पे, और मतलब कि अच्छे, मतलब थोड़ी ट्रस्टवर्दी ब्रांड्स पे इन्वेस्ट किया करो, थोड़ी अच्छी ब्रांड्स पे इन्वेस्ट किया करो। अच्छा, उसके बाद ये तो हमारे पास हो गई है सीरम, उसके बाद बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजर। और मॉइस्चराइजर लास्ट में कि आप एंटीक नहीं यूज करो, कम से कम बस आपने मॉइस्चराइजर लास्ट में यूज करना, क्योंकि स्किन को मॉइस्चराइज जब तक रखोगे तब तक स्किन पर कोई इश्यू होगा ही नहीं, सारी गेम ही हाइड्रेशन की होती है। तो ये सबसे पहले तो यार सिंपली आप ये यूज कर सकते हो, ये भी बाय द ब्रांड लूना का। यार अभी तक का मैंने कहा है ना, ये ब्रांड मेरी फेवरेट है, अभी तक का ये फेवरेट मॉइस्चराइजर जो मैंने यूज किया। यार दस्ती आपकी स्किन पे ग्लो प्रोवाइड करते हैं, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा अगर सिंपली नहीं अफोर्ड कर सकते तो यार सिंपली ये निविया का ले सकते हो, जॉनसन्स का ले सकते हो, बिल्कुल सिंपल, उसमें कोई हार्मफुल इंग्रीडियंट्स नहीं है। उसके अलावा एक ब्रांड है एक्यूफिक्सचर, उनका जो है मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भी सैलिसिलिक एसिड बेस्ड है, आपकी स्किन पे लेवल वर्क करता है, दस्ती मतलब वो है ही एक्नीस के लिए। और उसके अलावा इलैन का मॉइस्चराइजर है, उसके अंदर स्पेशली SPF भी है, वो भी लाजमी ट्राई कर सकते हो, आपकी स्किन पे दस्त ही वर्क करेगा। और यार प्लीज सिंपली मॉर्निंग में ना वो सनस्क्रीन लाजमी यूज करो, जब तक आप सनस्क्रीन यूज नहीं करोगे आपकी स्किन केयर का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सारा सारा गेम ही खराब यार सूरज करता है, क्योंकि सूरज के अंदर यूवी या यूवी रेज होती है, आपकी स्किन को डैमेज करती है। तो उस डैमेज से प्रोटेक्शन के लिए स्किन केयर करो, अगर स्किन केयर कर लो तो यार एक थोड़ा सा ना सनस्क्रीन या सनब्लॉक भी खरीद लो, वो भी लगा लिया करो, ठीक है। अच्छा, ये थी आज की हमारी वीडियो यार, अगर पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, प्रमोट करो भाई को। ओके, खुदा हाफिज़।